दो साल में असेसमेंट ये किया कि बिहार में एक बड़ा जनमानस, करीब करीब 70% लोग, चाहे वो राजद के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या किसी दूसरे दल विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में एक नया विकल्प चाहता है और जन सुराज को देखता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है जब वो सब लोग मिलकर एक नया दल, नया विकल्प बना सकते हैं, ताकि 15-20-30 वर्षों से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें दल काम न करने के बाद भी, गलती करने के बाद भी, जनता का शोषण करने के बाद भी सिर्फ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू के आधार पर वोट लेते रहे हैं, लोग उससे, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाने के लिए तैयार बैठे हैं और जन सुराज में उनको वो विकल्प, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका दिख रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हर दिन, प्रतिदिन लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी आप पर सवाल खड़े कर रही है कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे चुनाव लड़ा। छोड़िए, नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर तो हम रोज जवाब दे रहे हैं, आपको भी देंगे। उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहां रहते नीतीश कुमार और कहां रहता जदयू। इसलिए आदमी को गीता में कहा गया है कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतघ्नता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो नीतीश कुमार और जदयू के लोग, कम से कम दूसरे दलों की छोड़ दीजिए, इन लोगों को कृतघ्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने कंधा 2015 में नहीं लगाया होता तो न वो होते, न उनका नेता होता, न उनका दल होता। एनडीए का कोलिशन फिर से बिहार में काम कर रहा है, आपके लिए चैलेंज नहीं लग रहा है कि आप पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? और क्या चैलेंज है, कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है, जनबल के आगे कौन बल है। लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जन सुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है, दुगो चार गो स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है, एक भाजपा है, वो कितने ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जन सुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे, आरजेडी तो लालटेन है जिस बिहार में सर। किसने कहा कि बड़ी पार्टी है, कई गो एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था अपने दम पर? आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है, 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते, 1995 में जीते थे, उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं, फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है, कौन सा बड़ा दल है, 22 को सीट आया था 2010 में, और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है, वो मुसलमानों का वोट है, और सबसे ज्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है, मुसलमानों को ठगाया है, ठगा है, डराया है, मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा, नहीं जलेगा। तो आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान, और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं, और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा, जनसुराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी, जनसुराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। वी टीम होने का आप पर आरोप लगता है बीजेपी के? अरे भाई, आरोप लगाने वाले लोग जो है ये दो साल पहले कह रहे थे कौन है प्रशांत किशोर, चलिए बी टीम मान रहा है ना, अभी थोड़े दिन में ए टीम मानेगा, फिर पता उसको चलेगा कि अब कोई टीमें नहीं बचा उसका। प्रशांत किशोर बिहार की जनता का बी टीम है, हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है, बिहार की जनता को हमने सिखाया है कि दोनों गठबंधन को साफ करने के लिए अपना गठबंधन बनाओ, लोगों का गठबंधन बनाओ, 1 करोड़ लोग आपस में मिलकर अपने बच्चों के लिए गठबंधन बनाओ और ये दोनों गठबंधनों को काट के साफ करो।
नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन को किस तरीके से आप देखते हैं? राहुल गांधी पर भी आप थोड़ा अटैकिंग रहते हैं आजकल। भाई राहुल गांधी पर हम क्या अटैक करेंगे? राहुल गांधी पर अटैक उतना ही अटैक कहिए या उन पर उतना ही टीका टिप्पणी करते हैं जो बिहार से जुड़ी हुई बात है। कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना में अभी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बना है, मतलब इतने बड़े कोई नेता नहीं है। वो वहां कहता है कि बिहार के लोगों के डीएनए है ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। उसका इतना हिम्मत है और उस दल का नेता आके राहुल गांधी यहाँ बिहार में लंबा चौड़ा भाषण देंगे। वो कह रहा है कि हम लोग पैदा हुए हैं मजदूरी करने के लिए और उस दल का नेता आकर यहाँ भाषण देगा हम लोग को और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। आप बताइए, आप यहाँ काम करते हैं, बिहार के हैं कि नहीं? मुझे पता नहीं, बिहार के हैं। आपको अगर कोई कहता है, जिस दल का नेता कहता है कि बिहार का आदमी के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है, तो आप उसके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? आप उसका विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो यही विरोध कर रहे हैं कि तुम्हारा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को कह रहा है कि मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तुम आके बिहार में नेता बनोगे, और बनोगे तो तुम्हारा विरोध नहीं होगा। उनका पॉलिटिकल रिबॉर्न आप देख रहे हैं क्या? अरे छोड़िए, अरे भाई उनका रिबॉर्न हो रिबर्थ हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार के लोगों का रिबॉर्न होना चाहिए, बिहार के विकास का रिबर्थ होना चाहिए। बिहार से हमको मतलब है, हमको देश दुनिया से मतलब नहीं है। हम लोकसभा चुनाव लड़े, हमारा तो कोई भूमिका नहीं है। हम चुपचाप बिहार में लगे हुए हैं 2 साल, हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। 2 साल लगे, 10 साल लगे, हमको बिहार सुधारना है, बिहार के लोगों की स्थिति सुधारनी है, बिहार के लोगों की मदद करनी है। उस रास्ते में जो आएगा, राहुल आ जाए, मोदी आ जाए, लालू आ जाए, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी से नहीं डरते हैं। बिहार की जनता त्रस्त है और ये लोग इस बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं और इनके खिलाफ बोला ही जाएगा क्योंकि जनता इनको गाली दे रही है। डर नहीं लगता आपको इतनी सरकार के खिलाफ? क्या डर लगेगा? हम कौन चोरी किए हैं कि हमको क्या डर लगेगा? हमने इनसे कौन सा पद मांगा है? हम तो 2 साल से बोल रहे हैं इनको जो हिम्मत है करके दिखा ले। आपकी पार्टी क्या 243? हमारी कोई पार्टी नहीं है। जनसुराज जो पार्टी बनेगी 243 लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। 243 नहीं, 243 सीट लड़ेंगे। सीएम उम्मीदवार क्या आप होंगे या? अरे भैया, जो अभी आप लोग दल कैसे बनेगा भाई? देख रहे हैं कौन लोग दल बना रहा है। अभी 50,000 आदमी आता है, आप लोग ऐसे घबराने लगते हैं, इतना आदमी कहाँ से आया? तो जो लोग दल बनाएगा वो दल का नेता भी चुनेगा, दल के नेता फिर बैठ के अपना मुख्यमंत्री भी चुन लेंगे। उसके लिए क्या घबराहट है, पहले जीतने तो दीजिए। आखिरी सवाल सर, बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है उसमें आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, अब नेता भी बन गए हैं सर, क्या आपकी एडवाइस रहेगी, क्या करना चाहिए? भाई हमको सच्चाई आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं। हम मधेपुरा में कहीं थे, न्यूज वोज थोड़ा बहुत 10-15 मिनट समय लगता है उसको देखते हैं। बांग्लादेश की स्थिति के बारे में हमको बहुत जानकारी अभी नहीं है, तो उस पर हम कोई बहुत टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ देश में बैठे हुए हैं। हमारे जैसे साधारण आदमी, हमको बिहार के गांव की चिंता करने दीजिए। बांग्लादेश और बड़े बड़े देश के अंतर्राष्ट्रीय मसले जो हैं उसको हैंडल करने के लिए जनता ने जिसको पक्ष विपक्ष में बैठाया है वो लोग अपना डील करें उसको, उससे हम लोग जो भी सरकार और विपक्ष पार्लियामेंट देश की संसद निर्णय लेगी हम लोग उसके पक्ष में है। जातीय जनगणना आप चाहते हैं होंगे? भाई जातीय जनगणना यहाँ हुआ है, हम उसके पक्ष में। बिहार में काफी लोग सवाल करेंगे। अरे हम जातीय जनगणना जब यहाँ से हो रहा है तब से कह रहे हैं जातीय जनगणना के पक्ष में, किसी भी गणना के पक्ष में है जो कि समाज की स्थिति के बारे में जानने समझने में जानकारी, सरकार को जानकारी हो इस बात में मदद करता हो, उसके हम पक्ष में है। लेकिन उस जानकारी पर कुछ काम भी तो होना चाहिए। मैंने अभी किसी दूसरे से बात करते हुए बताया कि लाइब्रेरी में बहुत किताब है, आप वहां जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाइएगा तो उससे आप बहुत बड़े ज्ञानी थोड़े ना हो जाइएगा। उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने के बाद फिर परीक्षा होगा तो उसमें लिखना भी पड़ेगा। तो जनगणना होना एक बात है और जनगणना से समाज की लोगों की स्थिति सुधरना अलग बात है। जनगणना इसलिए कराया गया कि चुनाव में उसका लाभ मिले। उस जनगणना पर जो आंकड़े आए उस पर तो कोई काम हुआ नहीं। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय 32,000 है। ये गन्ना तो आपको हर 6 महीना पर प्रकाशित हो रहा है, उस पर आप काम काहे नहीं कर रहे हैं? बिहार देश का सबसे निरक्षर राज्य है, ये गन्ना तो रोज जारी हो रहा है, उस पर काम काहे नहीं कर रहे हैं? जब जानकारी नहीं होने के अभाव में थोड़ी ना बिहार गरीब है, जानकारी रहते हुए काम नहीं करने की वजह से बिहार गरीब है। तो जनगणना टू दैट एक्सटेंट इज वैलिड कि भाई जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जनगणना होने के बाद जो उसकी फाइंडिंग है उस पर काम भी तो होना चाहिए।